गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ये मेरा सेकंड वीडियो होगा साइंस का, क्लास थर्ड का, जिसमें हम लोग एनिमल्स देयर फूड के बारे में पढ़ रहे थे। मेरा मानना है आप लोगों ने इस लेसन को पढ़ के देखा होगा। आगे अब हम लोग इसको रीड करेंगे। लिखा है, एन एलिफेंट ईट्स एंड ड्रिंक विथ इट्स लॉन्ग ट्रंक। इट च्यूज द फूड बाय इट्स लार्ज ग्राइंडिंग टीथ। एलिफेंट्स कंज्यूम ग्रासेस, स्मॉल प्लांट्स, बशेस, फ्रूट्स, इटीसी। अब आपको एलिफेंट के बारे में बता रहा है बेटा यहाँ पर। एन एलिफेंट ईट्स एंड ड्रिंक विथ अ लॉन्ग ट्रंक। एलिफेंट्स की जो ट्रंक होती है, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, इससे वो अपना भोजन को खाता भी है और ड्रिंक करता है, यानी पानी भी पीता है। इट च्यूज द फूड बाय इट्स लार्ज ग्राइंडिंग टीथ। वो अपने भोजन को चबाता कैसे, अपने लार्ज जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं उससे अपने भोजन को क्या करता है, वो ग्राइंड करता है, मतलब चबाता है। एलिफेंट्स कंज्यूम ग्रासेस, क्या क्या खाता है, तो ग्रासेस खाता है, छोटे छोटे से प्लांट्स खाता है, बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ खाता है, फ्रूट्स खाता है, ये उनका भोजन होता है। क्लियर, यहाँ तक के सबको समझ में आया। अगला है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को पूरे एलिफेंट्स, पूरे जानवरों के बारे में, जिन जिन के बारे में आपको बताना था बताया है। इसके आगे जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है फूड चैन। फूड चैन का मतलब होता है बेटा, जैसे कि एक के बाद एक क्या चीज़ होती है, कैसे किस चीज़ को खाया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। अ फूड चैन इज अ लिंक इन विच द एनिमल्स लोअर इन द चैन आर फूड फॉर एनिमल्स हायर इन द चैन। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बिवोरस, हर्बिवोरस आर इन टर्न्स ईटन बाय कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब फूड चेन का मतलब ये बताया बेटा कि जैसे आप लोगों को बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और प्लांट्स खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा, हर्बिवोरस। तो मतलब सबसे पहले एक प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हर्बिवोरस वाले एनिमल ने खाया, ठीक है, मतलब चूंकि वो प्लांट्स ही खाते इसलिए वो हर्बिवोरस एनिमल कहलाते। अब उस हर्बिवोरस एनिमल को कौन खाएगा बेटा, कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स मतलब जो फ्लैश खाते हैं। तो इस प्रकार की एक चैन बनते जाती है, तो उस चैन को क्या कहा जाता है, फूड चैन। और फूड चैन इज अ लिंक इन विच द एनिमल्स लोअर इन द चैन आर फूड फॉर एनिमल्स हायर इन द चैन। मतलब सबसे पहले नीचे लोअर एनिमल्स रहते हैं और उसके बाद बढ़ते जाते हैं, वो हायर एनिमल्स कहलाते हैं। मतलब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में दिखाया कि फ्रॉग को किसने खाया बेटा, आपको स्नेक ने खाया। स्नेक को कौन खा रहा है बेटा, ये ईगल खा रहा है। तो ये इस प्रकार की जो चैन कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा, फूड चैन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बिवोरस, प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बिवोरस एनिमल्स खाते। हर्बिवोरस आर इन टर्न ईटन बाय कार्निवोरस, हर्बिवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस एनिमल्स खाते, और ओमनिवोरस एनिमल्स खाते। तो इस प्रकार की जो चैन कहलाती है उसको क्या कहते हैं बेटा, फूड चैन कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आए। अ फूड चैन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ प्लांट। जो फूड चैन स्टार्ट होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ डियर इट्स ग्रास एंड अ लायन इट्स द डियर। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चैन, अ ग्रास होपर इट्स ग्रास, अ फ्रॉग इट्स द ग्रास होपर, अ स्नेक इट्स द फ्रॉग एंड अ हॉक इट्स द स्नेक। जैसे आपको ये बताया कि जो फूड चैन की शुरुआत होती है ऑलवेज प्लांट से शुरू होती है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं उनका प्राइमरी फूड जो होता है उनका क्या होता है, प्लांट होता है, जिसको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जैसे एक एग्जांपल दिया कि डियर ग्रास को खाता है, और डियर को कौन खाता है बेटा, लायन खाता है। दूसरा एग्जांपल उसने बताया कि एक ग्रास ऊपर है जो ग्रास खाता है, उसके बाद उस ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, और उसके बाद उस फ्रॉग को कौन खाता है बेटा, स्नेक खाता है, और उसने स्नेक को कौन खाता है बेटा, हॉक खाता है। तो इस प्रकार की जो चैन बनती है उसको क्या कहा जाता है ना, फूड को खाने के आधार पर जो चैन बनती है उसको क्या कहा जाता है, फूड चैन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बेटा, फूड चैन कहा जाता है। अब केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स जो आप लोग पेट पालते हैं, पालतू जानवर पालते हैं, उनकी किस प्रकार से केयर करना होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया है। वी कीप एनिमल्स सच एज डॉग, कैट एंड रेबिट इन अवर हाउस एज पेट्स। वी कीप एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स, गोट एंड शीप इन द फॉर्म। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। दे आर वेरी यूजफुल टू अस। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। वी मस्ट गिव देम गुड एंड सफिशियंट फूड एट प्रॉपर टाइम टू टू
मतलब आप लोगों को यहाँ पर एनिमल्स की किस प्रकार से केयर करना है उसके बारे में बताया है। वी कीप एनिमल्स सच एज डॉग, हम लोग क्या क्या पालते हैं, तो डॉग पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, रैबिट पालते हैं, हमारे घरों में पाले जाते हैं। वी कीप एनिमल्स लाइक काउ, गाय को पालते हैं, हॉर्स को पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, शीप को पालते हैं, जैसे फार्म हाउस में अपने खेतों में पालते हैं कि नहीं पालते। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, वे एनिमल्स जिनको घरों में पाया जाता है या फार्म हाउस में पाला जाता है उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है बेटा, डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, हमको उनकी प्रॉपर केयर करना चाहिए। We must give them food and sufficient food. उनको हमको अच्छा भोजन और भरपूर भोजन देना चाहिए एट प्रॉपर टाइम, समय समय पर उनको हमको अच्छा भोजन और भरपूर भोजन देना चाहिए। टू कीप देम हेल्दी एंड स्ट्रांग, उनको मजबूत बनाए रखने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए हमको उनको समय समय पर अच्छा भोजन देना चाहिए। दे शुड बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वी मस्ट मेक प्रॉपर शेल्टर फॉर आवर पेट्स टू स्टे एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। ऑल्सो देयर शेल्टर शुड बी केप्ट क्लीन, द एनिमल्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड प्रॉपरली ग्रूम्ड। वैन आवर डोमेस्टिक एनिमल्स फॉल सिक आर गेट हर्ट, वी शुड टेक देम टू द वेटरनरी हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स एंड शुड नॉट ओवर वर्क देम। बेटा अब यहाँ पर आप लोगों को बताया है दे शुड बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जैसे बताया कि उनको अच्छा भोजन देना चाहिए, उसके साथ साथ उनको अच्छा साफ सुथरा पानी देना चाहिए। वी मस्ट मेक प्रॉपर शेल्टर फॉर आवर पेट्स टू स्टे इन एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर हीट कोल्ड एंड रेन, है ना, हमको उनके लिए प्रॉपर शेल्टर का भी इंतजाम करना चाहिए। शेल्टर का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर उनको रखा जाता है ताकि वो धूप से, ठंड से या पानी से, बारिश से बच सके। आल्सो देयर शेल्टर शुड बी केप्ट क्लीन, और उनके शेल्टर को साफ सुथरा रखना चाहिए। द एनिमल्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड प्रॉपरली ग्रूम, और जो एनिमल्स हैं उनको भी प्रॉपरली उनको साफ सुथरा रखना चाहिए और प्रॉपरली उनको सफाई से रखना चाहिए। व्हेन आवर डोमेस्टिक एनिमल्स फॉल सिक, अगर हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स बीमार पड़ जाते हैं या उनको कोई चोट लग जाती है, वी शुड टेक देम टू द वेटरनरी हॉस्पिटल, उनको वेटरनरी हॉस्पिटल उनके ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। वेटरनरी हॉस्पिटल का मतलब होता है बेटा जानवरों का हॉस्पिटल। वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स एंड शुड नॉट ओवर वर्क देम, हमको अपने जानवरों के प्रति बहुत दयालु होना चाहिए और उनसे बहुत ज़्यादा वर्क कराना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को आपके जो पेट एनिमल हैं उनको किस प्रकार से रखना चाहिए, किस प्रकार से उनका भोजन कराना चाहिए उसके बारे में बताया है। तो आप लोगों के घर में भी पेट पाले होंगे तो आप लोगों ने उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये लेसन आप लोगों का यहाँ पर कम्प्लीट होता है, जिसमें आप लोगों को एनिमल्स और उनके भोजन के बारे में बताया है। तो जिसमें आप लोगों ने उनके बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, पहला आपने पढ़ा है हर्बिवोरस, दूसरा पढ़ा है कार्निवोरस, फिर ओमनिवोरस और स्केवेंजर। उसके अलावा भी आप लोगों ने अलग अलग फूड हैबिट्स वाले एनिमल्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है। अब चलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहले एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ देयर एनिमल्स आर कॉल्ड, वो एनिमल जो प्लांट के अलावा दूसरे एनिमल का मांस भी खाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको बोलते हैं ओमनिवोरस। क्या बोलते हैं बेटा उनको, ओमनिवोरस। सेकंड है रैबिट्स एंड रेट्स ईट ब्लैंक देयर फूड्स, रैबिट और रेट अपने बूट को कैसे खाते हैं, मैंने बताया था कि वो कुतरते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द है बेटा, नेव। क्या शब्द है इसको, नेव। अगला है अ फूड चैन ऑलवेज स्टार्ट विथ, फूड चैन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मैंने बताया था फूड चैन ऑलवेज स्टार्ट विथ प्लांट्स, कैसे स्टार्ट होती है प्लांट्स। नेक्स्ट है आप लोगों का हैज़ अ स्टिकी टंग फॉर कैचिंग इंसेक्ट, किसके पास स्टिकी टंग होती है, आप लोगों ने पढ़ा है फ्रॉग, किसके पास स्टिकी टंग होती है, फ्रॉग। नेक्स्ट है आपका सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कौन सक करता है फ्लावर से नेक्टर, तो वो है आपका एग्जाम, उसका आंसर है क्या है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई सक नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से नेक्टर को क्या करती है, सक करती है, ठीक है। इतना यहाँ तक सबको समझ आया, तो ये आपका MCQs थे, इसको आप लोगों को बुक में इसको सही इसका आंसर टिक कर लेना है, क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, आपको यहाँ पर ब्लैंक्स को करेक्ट आपको इसमें फिलअप करना है। पहला वर्ड दिया इसमें रैबिट, सेकेंड वर्ड दिया काउ, थर्ड वर्ड दिया फ्लैश इटिंग एनिमल्स, फोर्थ वर्ड दिया ग्रो, फिफ्थ वर्ड दिया स्केवेंजर्स एंड अगला वर्ड दिया हेल्दी। पहला सेंटेंस है इसका लिविंग थिंग्स नीड फूड टू, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है, काहे के लिए आवश्यकता होती है, ग्रो। पहला यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, ग्रो फॉर एनर्जी
लिविंग थिंग्स नीड फूड टू हेल्दी एंड फॉर एनर्जी एंड टू स्टे ग्रो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? फिर से बताऊँ इसको, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ब्लैंक फॉर एनर्जी एंड टू स्टे। क्या मतलब हुआ इसका कि लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो फॉर एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। यानी पहले वाले इसमें आ जाएगा आपका ग्रो, GROW ग्रो, और दूसरे वाले में आ जाएगा आप लोगों का हेल्दी। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा आपका? हेल्दी। क्या आ जाएगा? हेल्दी। सबको समझ में आ गया इतना? यहाँ पर पहले वाले इसमें आपको दो कॉलम दिए हैं, तो पहले वाले इसमें आ जाएगा ग्रो और दूसरे वाले में आ जाएगा आपका हेल्दी। ठीक है, सेकेंड है आप लोगों का इट्स ब्लैंक इट्स द डेड ऑफ लेफ्ट ओवर फ्लैश ऑफ क्रिएचर्स किल्ड बाय अदर एनिमल्स। क्या लिखा है? ब्लैंक इट्स द डेड और लेफ्ट ओवर फ्लैश ऑफ क्रिएचर्स किल्ड बाय अदर एनिमल्स। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स का मतलब मैंने बताई थी, जो सड़े गले पदार्थ को खाते हैं या मरे वाले जानवरों को खाते हैं, तो क्या आ जाएगा? स्केवेंजर्स। क्या आ जाएगा इसमें सेकंड में? क्या आ जाएगा? स्केवेंजर्स ईट्स द डेड आर लेफ्ट ओवर फ्लैश ऑफ क्रिएचर्स किल बाय अदर एनिमल्स। तो सेकंड में क्या आ जाएगा? स्केवेंजर। क्या पढ़ा आ जाएगा? स्केवेंजर। थर्ड आपका कार्निवोरस आर आल्सो कॉल्ड। कार्निवोरस को और क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। क्या कहते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। यहाँ तक सबको समझ में आया? अगला है नाउ नेव इट्स फूड। कौन अपने फूड को नेविंग करता है, कुतरता है? तो रैबिट। क्या आ जाएगा इसका आंसर? रैबिट नेव इट्स फूड। रैबिट नेव इट्स फूड। फिफ्थ वाला है आप लोगों का ब्लैंक च्यू द कर्ड। कौन च्यू करता है? तो उसमें आपको आ जाएगा काउ। क्या आ जाएगा? काउ च्यू द कर्ड। काउ च्यूज द कर्ड। सबको समझ में आ गया? तो फर्स्ट में आप लोगों का आएगा ग्रो और इसके सेकंड वाले में आ जाएगा हेल्दी, सेकंड वाले में आ जाएगा स्केवेंजर्स, थर्ड वाले में आ जाएगा फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फोर्थ वाले में आ जाएगा आप लोगों का रैबिट, और फिफ्थ वाले में आप लोगों का आ जाएगा काउ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब आप लोगों का इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर है, मैं आगे आप लोगों को आगे के वीडियोस में पढ़ूंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग इतना काम आप लोग अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।